हाय हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दिस रेसिपी डेडिकेटेड टू ऑल माय स्वीट व्यूअर्स। होपफुली आपण माने मोर आज रेसिपी को एंजॉय करिवे। मु आज आपण माने पई पनीर पोस्तर रेसिपी नै आसी, तबे चालन तो देखि नबा आज रेसिपी, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। पनीर पोस्त बनिबा पई पोस्त मसला बटर गोटे पेस्ट बनै नेबी, सेति पई मु किछि पोस्त को एथि ऐड करि नउछि। 5 स्पून पोस्त को एथि ऐड करि नउछि। मिक्सिंग जार रे मु डायरेक्ट एथि ऐड करि नउछि। पोस्त को अल्प समय पर 15-20 मिनट पर्यंत या सोक कर रखा द्वारा पोस्त बटा आम बहुत ही भल भाव स्मूथ पेस्ट हो जाए। एथेरे गोटे सान साइज्र प्याज को ये भाव काटिक एड कर 15 मिनट पर या बहुत भल भाव पेस्ट बन देखु स्मूथ पेस्ट बनी सारी। बर्तमान मुझे दही गोटे स्पून दही को नहीं गोटे मीडियम साइज्र प्याज टमाट एवं गोटे कंचा लंका को नहीं दही को यह भाव में फेटि ना। कंचा लंगार परिमाण आपण राग खाइबा अनुसार या को कम अधिक करें। गोटे फ्राई पैन को एड कर फ्राई पैन टी गरम होगा से सोरस तेल को एड कर किसी कला जीरा को एड कर जहाँफल फ्लेवर बहुत ही भल आस रखि पीबी प्याज को एड कर प्याज को बहुत भल भाव फ्राए कर बर्तमान काटिक रखि टमाटो को एड कर बर्तमान स्वाद अनुसार लंका गुंड को एड कर हलदी गुंड को एड कर गरम मसला को एड कर लंका गुंडर क्वांटिटी आपण निजर स्वाद अनुसार कम अधिक करें। बर्तमान बाटिक रखि पोस्त बटा को एड कर बहुत भल भाव पोस्त बटा को भाजी नवा पखापाखि 5 मिनट पर्यंत मुझे पोस्त बटा को लो मीडियम फ्लेम रे भाजी नहीं। बर्तमान फेटिक रखि दही 1 स्पून दही को एड कर बहुत भल भाव गोली नवा। बर्तमान दही एवं पोस्त बटा बहुत भल भाव कुक सारी। बर्तमान दरकार मुताबक एथेरे पानी को एड कर पोस्त बटा सहित बहुत भल भाव मिक्स कर स्वाद अनुसार लुण को एड कर एवं बहुत भल भाव बॉयल आसवाप दबा। बर्तमान आम पोस्त बटर ग्रेवी रे बहुत भल से बॉयल आस सारी। बर्तमान क्यूब कर काटिक रखि पनीर को एड कर आपण जदि चाहिए पनीर को फ्राई करें अधिक फ्राई करने द्वारा पनीर आम हार्ड हो जाए तेणुक मु पनीर को फ्राई करनी। एठी टोटल 5-10 मिनट पर्यंत लो मीडियम फ्लेम रे पनीर को कुक करने जहाँफल पनीर टी सॉफ्ट रहिबो एवं बहुत ही टेस्टी लगे। या को जदि ओवर कुक करिबे ताहले हमर पनीर टी हार्ड हो जिवो। एभली भाव में मझे मझे या को गोळे नउथिबे। बर्तमान आम प्रस्तुत हो सारी पनीर पोस्त एथिरे स्वाद अनुसार आपण कंचा लंका मध्ये पर ऐड करिपरिबे। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, सी यू सून।